हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्रेन कैसे ऑन किया जाता है, क्रेन में क्या क्या लगी होती हैं और इसकी क्या वर्किंग है। ठीक है, तो ऑपरेट तो नहीं करेंगे बट हम क्रेन को कैसे चार्ज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक आप देख सकते हैं, ये जो है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये DSL कहते हैं, जिसे डाउन सप लाइन है। इसमें हमारी RYB न्यूट्रल जो तीनों जो हमारी क्रेन को जाती है, ये देखिए क्रेन में यहाँ पर RYB न्यूट्रल तीनों ये लगती है। जैसे कि हमारा मोटर को रनिंग करना है और हमारा कंट्रोल सर्किट सब टोटल ये DSL में ही हमारा डिपेंड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक हो रही है, देखिए ये जो लाइट ब्लिंक हो रही है ये 100 वाट की लाइट है, जो कि हमें यह इंडिकेट कर रहा है कि हमारा DSL अभी चार्ज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी क्रेन के पास जाएंगे और देखेंगे क्रेन को कैसे चार्ज किया जाता है और क्रेन में क्या क्या सेफ्टीज़ हैं जो कि हमको फॉलोअप करना पड़ता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रेन को एंटर करेंगे। जैसे कि देखिए, ये हमारा क्रेन का अंदर रेलिंग है जिसमें हम अंदर जा सकते हैं। देखिए, ये हो गई हमारी LT की मोटर है। तो इस तरह की चार मोटर होती हैं। ठीक है, इस साइड दो साइड है, देखिए ये और एक क्रेन है, देखिए ये भी LT की मोटर है ये, और उधर आगे में एक होंगी, देखिए ये रहा, ये भी एक LT की मोटर है जो कि आप देख सकते हैं। ये मतलब हमारे चार LT मोटर होती हैं। देखिए इस साइड ये और एक क्रेन की है, तो आप समझ पा रहे होंगे क्रेन के चारों साइड में चार LT मोटर्स होती हैं। ठीक है, और चार LT मोटर्स होती हैं, और ये हमारा पैनल्स हो गया कुछ, जैसे कि ये देखिए, ये PPA हमारा प्रोटेक्टिव पैनल है, ये मेन हॉइस्ट पैनल है। ठीक है, ये ऑक्सिलरी हॉइस्ट पैनल है, और ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्सेस है। ठीक है, जो कि हमको वेरिएबल करता है स्पीड में। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि क्रेन को हम चार्ज कैसे करेंगे। हम जैसे जाएंगे, देखिए अभी यहाँ पर हमारा ब्रेकर चार्ज है कि नहीं, हम पहले चेक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं हमारा ब्रेकर अभी चार्ज है, जैसे कि लाइट जल रहा है। फिर भी हम आपको ब्रेकर एक बार बंद करके दिखा देते हैं कि क्या इसकी पोजीशंस होती हैं, कैसे हम एक क्रेन को ऑन करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, ये हमारा ब्रेकर है जो कि स्नाइडर की ब्रेकर है। ठीक है, तो इसे हम पहले ऑफ कर दिए। ठीक है, अब इसे पहले हम चार्ज करते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, ये ब्रेकर अब स्प्रिंग चार्ज हो चुका है। ठीक है, जो कि मैं आपको ACB के वीडियो में भी बताया था कि ये हमारा मैनुअली स्प्रिंग चार्ज है, जो कि हमारा MOD होता है। ब्रेकर का आपको वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ये ब्रेकर हमारा अभी चार्ज हो गया। ठीक है, अब ब्रेकर चार्ज होते ही हमारा जो है प्रोटेक्टिव पैनल को पावर चल गया होगा, और जिसकी वजह से अभी हमारा सारा सर्किट जो है हेल्दी हो गया होगा। देखिए लाइट भी फिर से ग्लो हो गया। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले आपको ऊपर का इंटरफेस दिखाते हैं कि क्या है इसके अंदर, कितनी मोटर्स लगी गई हैं और क्या क्या इसकी वर्किंग है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया ऑक्सिलरी हॉइस्ट। ठीक है, ऑक्सिलरी हॉइस्ट की मोटर है, जो कि ये देख सकते हो ऑक्सिलरी हॉइस्ट है, और इसमें ये है उसकी माइक्रो जो चलती है, जो धीरे धीरे लेडल को हमारा टर्नओवर या टिल्ट करती है। ठीक है, और उसके प्रोटेक्शन में हमारा लगा हुआ है ये रोटरी लिमिट स्विच, जो कि इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि रोटरी लिमिट स्विच को कैसे एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, ये है हमारा ग्रेविटी लिमिट स्विच। ठीक है, जो कि हमारा ग्रेविटी लिमिट स्विच, जैसे कि अब हम समझ सकते हैं, हम ध्यान अगर दें तो जब हमारा हॉस्ट जो हमारा हॉस्ट जो होता है वो ऊपर की ओर आता है, तो सबसे पहले हमारा एक्ट करता है ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी हमारा फेल होता है तो रोटरी हमको प्रोटेक्ट करता है। तो ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इंटरव्यूज में आपको अगर कोई पूछे कि रोटरी पहले एक्ट करता है या ग्रेविटी, तो आप हर समय ग्रेविटी ही एक्ट करता है, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये हमारा मेन हॉस्ट है। ठीक है, ये सबसे पहले मैं बता दूँ, ये 85x25 टन्स की है ये क्रेन, मतलब 85 इसकी हो गई मेन हॉइस्ट और 25 हो गई ऑक्सिलरी हॉइस्ट। देखिए इसमें भी ग्रेविटी प्रोटेक्शन जो दी गई है,
देखिए दोस्तों, एक ग्रेविटी टाइप लिमिट स्विच है, ठीक है। ये भी इसका सेम प्रोसीजर वही है, और यहाँ पे हम रोटरी लिमिट स्विच दिए हुए हैं देखिए, जो कि रोटरी प्रोटेक्शन हम लोग को दे रहा है, ठीक है। और इसकी मोटर्स भी आपको दिखा देते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये एक देखिए, ये हमारा एस टाइप लोड सेल है, ठीक है, जो कि हमारा लोड कितना वेरी कर रहा है, हमको लोड कितना देना है, ये उसका फीडबैक हमें देगा। अगर हमारा ओवरलोड होता है तो हम उसे फीडिंग को कम कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये है हमारा मेन हॉइस्ट की मोटर्स, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी हम आपको कैबिन के अंदर ले जाएंगे, ठीक है। कैबिन में भी आप देखिए, कैबिन में क्या है, क्या प्रोवाइड की जा रही है, किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ आपको अच्छी तरह से हम आपको सॉल्व करेंगे। और ये हमारी हो गई सीटी की, जो कि क्लोज ट्रैवल जिसे कहते हैं। देखिए, ये सीटी की हो गई है दो, एक हमारा ऑक्सिलरी है, अगर एक ख़राब हो जाए तो और एक चलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, हम आपको फिर से दिखा देते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्रेन में, वो है थ्रस्टर, ठीक है। थ्रस्टर देखिए, ये हो गई हमारी थ्रस्टर, देखिए, जो कि गालवी कंपनी की थ्रस्टर है। ये काम कैसे करता है आपको एक शॉर्टकट में बता दूं। जब हमारा मोटर को सप्लाई आता है, उसी तरह से यहाँ पे भी एक सप्लाई आता है, जैसे मोटर एक्ट करता है उसी तरह से ये भी एक्ट करता है। हमारा सप्लाई आते ही ये रिलीज हो जाता है, रिलीज होते ही हमारा ये विजड्रम जो है ये रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सिलरी हॉइस्ट हो, मेन हॉइस्ट हो, सीटी हो, जो भी हमारा वर्क करता है। तो ये हमारा इंटरनली गियर बॉक्स से जुड़ा हुआ है जो विजड्रम जो है, तो इसी तरह से इसकी यूजेस है। तो सबसे पहले अभी हम चलते हैं कैबिन की तरफ, ठीक है, कैबिन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं क्या है। ये यहाँ पर एक स्टेप भी प्रोवाइड की गई है, जो कि ऊपर नीचे होने के लिए हमको हेल्प करती है। और ये हमारा पैनल है, प्रोटेक्टिव पैनल, देखिए दोस्तों, ये हमारा कैबिन हो गई है। देखिए दोस्तों, ये हमारा कैबिन हो गया, ये हमारा मास्टर कंट्रोल हो गया, जो कि ये सीटी का है, ये एलटी का है, और ये ऑक्सिलरी हॉइस्ट, ये मेन हॉइस्ट, ठीक है। ये हमारा इमरजेंसी है, जो कि क्लोज में था, जो कि इसको अभी स्टार्ट किए, देखिए ये ब्लिंक हुआ, मतलब हमारा कंट्रोल पिकअप हो गया, कंट्रोल पिकअप हो गया। अभी हम जो भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा लोड दिखाएगा कि कितना लोड अभी हमारे ऊपर है। तो अभी तो हमारा ये हैंगर लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये हैंगर लगने पर हमारा यहाँ पे दिखा रहा है 3250, मतलब इतना लोड हमारा अभी है, ठीक है। तो ये है हमारा क्रेन का इंटरनल पार्ट्स। तो अभी आपको पैनल भी दिखा देते हैं कि पैनल्स में क्या क्या है। हमारी प्रोटेक्टिव पैनल हो गई, मेन हॉइस्ट पैनल हो गई, पैनल सब सेम ही होती है दोस्तों, खाली हमारा केवल ही चेंज हो जाता है कि कौन सा किधर का पैनल है, किधर सप्लाई जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा MH मेन हॉइस्ट पैनल, जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ टोटल सब कुछ आपको दिया गया कि मोटर फॉरवर्ड चले, रिवर्स चले, ठीक है। ये हाई की है, ये लो की है, उसी तरह से ये इसकी रेजिस्टेंस है, जो कि कितने स्टेप्स में रेजिस्टेंस चलेगा। हमारे यहाँ 3 स्टेप्स का रेजिस्टेंस है, 1 RC, 2 RC, 3 RC, ठीक है। तो यह हमारा 3 स्टेप का रेजिस्टेंस है। तो इसी तरह से कुछ हमारा सब पैनल इसी तरह से वर्क कर रहा है, और यही है हमारा कुछ आज का वीडियो। आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहें, ठीक है। थैंक्स दोस्तों।